सोचते तो सब है कि आज मैं यहाँ तो कल मैं वहाँ पहुँचूंगा, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही अपनी इस सोच पे काम कर पाते हैं, जो ना फेल होने की परवाह करते हैं और ना ही लोगों के तानों की। ऐसे ही 21 साल के लड़के ने एक सपना देखा था, जिसे पाने के लिए वो भूखा रहने तक को तैयार था, बिना सोए 18 घंटे काम करने को तैयार था, और लोगों की परवाह किए बिना अपने सपनों को पाने के लिए गहरे कुएं में कूदने तक को तैयार था। मैं बात कर रहा हूँ फिस्कल फिनसर्व के फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर विजय भड़ियाद्रा की, जिन्होंने एम्स बेंगलोर से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बैंक में जॉब की, मगर उनका मन उस काम में नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ के और घर वालों से छुपा के एक स्टॉक मार्केट एडवाइजरी फर्म की शुरुआत की। तब उनकी उम्र महज 21 साल थी और उनकी ऑफिस इतनी छोटी थी कि सिर्फ दो लोग ही आ सकते थे, और एक को बाहर निकलने के लिए पहले चेयर को बाहर निकालना पड़ता था। उस टाइम उनके पास 7 लोगों का स्टाफ था और एक ही कंप्यूटर था, जिसे लेके उनमें और स्टाफ के बीच काफी बहस होती थी। फिर 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद उन्होंने मार्केट में अपना काफी अच्छा खासा नाम बना लिया था और 2013 में कापोद्रा में फिस्कल फिनसर्व की पहली ब्रांच खोली। तब उनके पास 36 लोगों का स्टाफ था, जिसके जरिए उन्होंने 2015 तक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू स्टॉक मार्केट में अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छा काम करने जाओ तो पीछे खींचने वाले 1000 लोग मिल जाते हैं। 2016 में ऐसी ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने 6 महीने के लिए स्टॉक मार्केट छोड़ दिया, लेकिन माइंडसेट कुछ ऐसा था कि कुछ करके ही दिखाना है, और नई उम्मीद के साथ उन्होंने वापस शुरुआत की। आज फिस्कल ने कई मुश्किलों को पछाड़ के नई बुलंदियों को हासिल किया है, जिसने अपने हाई एक्सपीरियंस, नॉलेज, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और अपने डेडिकेशन से लोगों को ट्रेन किया है और स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक मिसाल कायम की है। आज फिस्कल फिनसर्व के पास 6 से भी ज़्यादा सर्विसेज, 600 से भी ज़्यादा का स्टाफ और अब तक 5000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ट्रेन किया है। स्टॉक मार्केट 2008 में स्टार्ट किया था। स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, घर पे किसी को पता नहीं था। 1-1.5 साल बाद जब मेरे फादर को पता चला, तब उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, अपने पास क्या है क्या नहीं है सब कुछ जानता है, तू कमा या नहीं कमा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज याद रखना, जो अपने पास है उसे गंवाना मत। इन शब्दों ने उनके दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ी कि उन्होंने मन में ये ठान लिया कि एक दिन 1000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा और उस कंपनी के जरिए लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज दूंगा, जिससे वो खुद के पैरों पे खड़े हो सके। और इस माइंडसेट के जरिए उन्होंने FPP, स्मार्ट सिग्नल, सिंथेटिक हेज और एल्गो ट्रेडिंग जैसी काफ़ी सारी सर्विसेज को लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, और आज इन सर्विसेज के साथ 12,000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं और हर रोज़ अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। फिस्कल फिनसर्व अपने बिजनेस के साथ साथ अपने स्टाफ का भी पूरा ख्याल रखता है, वो उनकी हर ज़रूरत समझता है और उनके मुश्किल वक्त में इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। मैं यही सोचता हूँ कि मेरे साथ रहने वाले और मेरे साथ काम करने वाले हर एक इंसान अच्छी लाइफस्टाइल जी, मेरे से भी ज्यादा ग्रोथ करे और मेरे से भी अच्छा करियर बनाए। साथ ही साथ फिस्कल वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ बात ही नहीं करता, बल्कि उसने रियल टाइम बिजनेस में ये साबित करके दिखाया है। और आज फिस्कल के हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम स्टाफ वुमेन का है। इसके अलावा फिस्कल फिनसर्व अपनी सर्विसेज के साथ सोशल हेल्प में और चैरिटी में भी काफ़ी ध्यान देता है, जैसे कि गांव में भूखे जानवरों को खाना देना, वृक्षारोपण करना, अनाथ लड़कियों को पढ़ाना और ज़रूरतमंद और बीमार लोगों को मेडिकल एंड फाइनेंशियल हेल्प देना। फिस्कल का व्यू किसी के साथ कॉम्पिटिशन करने का है ही नहीं, बल्कि उनका कॉम्पिटिशन तो खुद से है, और उन्होंने शुरू से लेके आज तक अपने कस्टमर्स को वो ही दिया है जो उन्हें चाहिए। विजय भड़ियाद्रा की एक सोच है जो हमेशा वो लोगों को कहते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि इंसान के पास कुछ हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अपने आगे आने वाली हर एक मुसीबत छोटी लगे। अगर हर इंसान इस सोच को अपना ले तो कल हम एक नए इंडिया को देख सकते हैं। फिस्कल की इस 15 साल की जर्नी में हमें आपसे काफ़ी कुछ सीखने, जानने और समझने मिला है, और हमें उम्मीद है
हम ऐसे ही साथ मिलकर देश को और आने वाली पीढ़ी को एक नया कल देंगे।